नमस्कार मित्रों, मैं बैजनाथ प्रजापति, मेरे चैनल ब्लैक पॉटरी निजामाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं है लखनऊ में, यह है संगीत एवं नाट्य कला अकादमी लखनऊ। यहाँ पर माटी कला बोर्ड के माध्यम से मेला लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। लोग मिट्टी से बने हुए आकर्षक उपयोग वाली चीज़ें खरीद रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इस मेले में आवें, इसमें प्रतिभाग करें, देखें और जो अच्छा लगे उसको खरीदें। दीपावली का त्यौहार सामने है, यह मेला दीपावली तक चलेगा और इन सब सामानों का आप उपयोग करें और वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है उसको सार्थक बनाएं। मैं बताना चाह रहा हूँ इस मेले में क्या प्रमुख है। जैसा कि आप देख रहे हैं माटी कला मेला लगा हुआ है। सरकार इस काम को, मिट्टी के बर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम अपना प्रयास कर रही है। उस प्रयास के तहत इस मेले का आयोजन किया हुआ है। इसमें फोकस किया गया है मिट्टी से बने हुए बर्तनों को, जिसमें आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, मिट्टी के डिजाइनर लिए गोरखपुर का टेराकोटा और सबसे प्रमुख मेरे अपने मातृभूमि आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, खुर्जा के चीनी मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई, तवा, पानी की बोतल आदि। और इसको इस वोकल को लोकल फॉर वोकल को सार्थक बनाता हुआ ये बोर्ड। अब इसी क्रम में मैं आगे चलूँगा कि यह सरकार पॉटरी काम के लिए कितना उदार है, कितना इसका विशाल हृदय बना हुआ है कि बहुत सारी योजनाओं में भाग लेने के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ जिसका नाम माटी कला बोर्ड है। उसी तरफ से मेला लगा हुआ है और इसके तहत आपको मैं दूसरे तरफ दिखाऊंगा कि यहाँ के पॉटरों को चाट वितरित की जा रही है, जो चाट पा करके बहुत ही पसंद है। मैं कैमरा मैन संदेश से कहूँगा थोड़ा सा कैमरा मूव करें और दिखाएं। देखिए ये जो भीड़ लगी हुई है, ये कुम्हार बंधु हैं, इनको चाट मिल रही है जिसपे ये काम करेंगे और इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के ज़माने की चाकें पत्थर की हुआ करती थी, जिसका वजन 2.5 से 3 क्विंटल होता था। आज वह बिजली से चलने वाली हो गई है और इससे हमारे पाटर बंधु बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। जहां वो 100 दिए बनाएंगे एक घंटे में, अब इस बिजली के माध्यम से वो 500 दिए बना सकते हैं। और वो मैं देख सकता हूँ कि लोग चाक पा करके बहुत खुश है। मैं से प्रार्थना करूँगा किसी में किसी लोगों से बात कराना चाहूँ, सबसे खुश है। आइए सर, आपका क्या नाम है? श्री राम प्रजा। आप चाक पाकर कैसा लग रहा है आपको? आप क्या बना के देखती है? देखिए आप इनके चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं, जो वो मुस्कान है जो इनके हृदय से निकले, खुशी से निकला हुआ मुस्कान है। और ये इसको पाकर बहुत ही खुश है। आज अगर 100 रुपये की इनकम करते होंगे तो इस चाक को पा करके मैं समझता हूँ कि इसका 5 गुना प्रोडक्शन करके 500 रुपये इनकम करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी प्रकार कर पाएंगे। इस तरह से आप पीछे देख सकते हैं सारे कुम्हार पाकर देखने खुश है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस शॉप के बारे में जो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। संदीप से प्रार्थना मूव करें। तो अभी आपने देखा कि कितने कुम्हार लोग खुश हैं। इसी सिलसिले में आपको यहाँ के दुकानों कुछ दुकानों के बारे में वर्णन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे गोरखपुर का टेराकोटा, निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में अपना स्थान रखती है, वो उसके शॉप्स लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है हमारे हुसैनाबाद के कि ये है ग्रुप के साथ की दुकान है जो कि निजामाबाद आजमगढ़ से चलते आई है। ये बोर्ड आप देख के समझ सकते हैं, इनका एड्रेस ये है। अब ये हमारे ब्लैक पॉटरी के सामान लगे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और मैं आपको आज थोड़ा सा ब्लैक पॉटरी से हट के बता रहा हूँ, जो दुनिया में जाना जाता है टेराकोटा के लिए, जिसका स्थान प्रमुख स्थान है गोरखपुर। यह गोरखपुर का टेराकोटा का बर्तन है। आप इसमें छोटे बड़े हाथी, खिलौने, दिया आदि आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें गोरखपुर की बनी हुई है। अगली दुकान पर ले चलता हूँ। देखिए ये है लखनऊ से ही आप हैं, आप मूर्तियाँ बनाते हैं या दीपक बेचते हैं, ये सारी चीज़ें दीपावली की यूज की चीज़ें हैं। तो मित्रों मैं आपसे फिर प्रार्थना करूँगा, लोकल फॉर लोकल, तो आप इस दीपावली को पर्यावरण के साथ अच्छे से मनाएं, नुकसान ना करें, पटाखे ना छोड़ें जिससे हमारा नुकसान हो, प्रदूषण ना करें, पॉलीथीन की चीज़ें ना यूज करें और प्लास्टिक के बर्तनों में चाय तो बिल्कुल ना पिएं। यहाँ तक कि कागज़ के गिलास में चाय पीना मना है, उसमें भी कोट जो होता है प्लास्टिक का लगा होता है जो कैंसर का कारक बनता है। और इसलिए मैं बोलूँ चाय भी अगर आप पीते हैं तो मिट्टी के बर्तन में पिए, कुल्हड़ में पिए और इस उद्योग को आगे बढ़ाएं। ये उद्योग बहुत ही पीछे रहा है, आज सरकार सहयोग कर रही है तो ये उद्योग आगे बढ़ रहा है। सरकार इतना सहयोग करे कि पार्टनरों को लोन दे रही है, ऐसे मेलों का आयोजन कर रही है, ये शॉप सबको फ्री में मिला हुआ है, खाने रहने की व्यवस्था है, ये अपने बर्तन को बेच रही है। तो मैं बता रहा था चाय पीने की बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था चाय का जो स्वाद है मिट्टी के बर्तन में मिलता है
दूसरे बर्तन में सिर्फ चाय का स्वाद मिलता है, इसमें कुछ अलग बढ़ जाता है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है। इसी सिलसिले मेरे आपको मिलने वाला कप दिखा रहा हूँ। ये कप जो है ब्लैक पॉटरी के कप है, बट इससे कलर चेंज है। आपको मैं ब्लैक पॉटरी का दिखाता हूँ। यह ब्लैक पॉटरी के सुंदर कप। तो आपसे मेरी आज दो रिक्वेस्ट हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक लोग जानकारी मिल सके। दूसरा प्रार्थना है कि यह मेला दीपावली तक चलेगा। संगीत एवं नाटक कला अकादमी लखनऊ में उपस्थित है यह दुकान। आप लोग यहाँ पर आएं, भारी संख्या पर हमें देखें, इसका लाभ उठावें और दीपावली को प्रदूषण रहित बनाएं। मिट्टी का बर्तन प्रयोग करके ही बनावें तो अच्छा रहेगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वोकल फॉर लोकल वो सफल हो, इस शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।